Let's continue with the part 3 of your first chapter. We are going to study about the role of judiciary. Judiciary क्या है? आपने court सुना होगा. तो सबसे पहले आता है Supreme Court, फिर आता है High Court, and then there are lower courts जो हमारे districts में होते हैं. तो आपको पता है Supreme Court जो है that is in Delhi. Then High Court है in Maharashtra. We have High Court in Mumbai. And then lower courts हर district में होते हैं. The basic role of the court is to give justice to citizens of India. So we are going to study about the basic framework of constitution. कि constitution में judiciary के लिए क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं. The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy. That is absolutely right. There are so many cases where the decision of the Supreme Court was been very important. It overruled the amendments made by Parliament. Parliament ne jo jo changes kiye the that were not according to constitution. Jo basic framework hai constitution ka. Ek Keswanand Bharti naam ki case hai. To usme kya tha ki jo Supreme Court tha usne ek decision liya tha ki jo basic constitution hai आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. यानी अगर कल आपको अगर लगा कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो आपको कम्प्लीटली चेंज करना है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो आप नहीं कर सकते हो. जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो तो कायम रहेगा. तो एक जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया गया था केशवानंद भारती केस में, उस वजह से जो रोल है सुप्रीम कोर्ट ने प्ले किया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है. कोई भी सरकार आके कोई भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बदल सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है. अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अमान्य करार कर सकती है. दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The constitution has to change according to changing conditions. मैंने बताया आपको कि constitution में amendments होते हैं, changes होते हैं, जैसे जैसे conditions change होते हैं. और ये changes कौन लाता है? Parliament लाता है. Parliament यानी लोकसभा एंड राज्यसभा. And they have the power to make those changes. पर अगर ये parliament ने ऐसे changes किए जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अस्वीकार करता है, नहीं मानता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? वो जो पार्लियामेंट चेंजेस करेगा उसको अमान्य करार करेगी, वॉइड देगी. दैट द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इज वॉइड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह सकती है. द जुडिशरी हैज एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस. जुडिशरी ने कहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि वो चेंज कर सकते हैं. पर उसी के साथ सेम टाइप पर उन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेशन है पावर का, यानी वो कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के. द जुडिशरी हैज टेकन अ स्टैंड दैट पार्लियामेंट वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अल्टर, अल्टर यानी चेंज नहीं कर सकता है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये मार्क करना है कि इट हैज़ टेकन अ स्टैंड कि हम पार्लियामेंट जब भी कोई अमेंडमेंट करेगा, चेंज करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो अल्टर नहीं कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड ये कब बताया था जुडिशरी ने? केशवानंद भारती केस थी. देन सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस. अब हमने देखा कि जुडिशरी के पास क्या पावर है, पर उन्होंने क्या क्या जुडिशियल डिसीजंस दिए हैं अब तक, ये हमें देखना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के पास राइट होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, फूड एंड वाटर मिलना चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट रहना चाहिए जब जहाँ पर वो रहते हैं. तो देयर शुड बी नॉट एनी हजार्डियस सब्सटेंसेस इन एयर. जैसे अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है तो उसके पास में घर नहीं होते हैं, तो चिल्ड्रंस को वो एक राइट है दैट दे कैन टेल दैट वी कैनॉट लिव इन दैट अनसेफ एनवायरमेंट. देन प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना चाहिए, खेलना येस, लेबर नो, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, यानी छोटे बच्चे फैक्ट्री में जाकर काम नहीं कर सकते. पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी फैमिली का बिजनेस है तो आफ्टर स्कूल दे कैन गो एंड वर्क ओवर देयर. देन सेफ एंड डिसेंट शेल्टर, अच्छा घर मिलना चाहिए उनको रहने के लिए. तो ये राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है दैट आर इम्पॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस. सेकेंड वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार. जैसे हम ह्यूमन से तो हमारे भी कोई राइट्स है, अगर वो गवर्नमेंट वायलेट करती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? दखल दे सकती है और गवर्नमेंट को बता सकती है दैट यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, सो यू शुड नॉट डू ऑल द थिंग्स विच विल हैम्पर द ह्यूमन राइट्स. देन प्रोटेक्शन
ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। हमने जब देखा कि बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं वुमेन्स के लिए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, देन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, देन हैरेसमेंट, वो सब चीज़ों के लिए भी लॉज बनाए गए हैं। देन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। आपको एज अ इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए टू डू समथिंग, टू राइट एनी थिंग। इफ यू थिंक दैट गवर्नमेंट के ये पॉलिसीज है एंड दैट आर नॉट गुड फॉर द पीपल, देन यू कैन राइट इन न्यूज़पेपर। तो ये आपको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आपको जो कहना है आप कह सकते हो, बट उसमें भी लिमिटेशंस है, आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो ये एक इंडिविजुअल फ्रीडम मिलता है। ट्राइबल एनवायरमेंट, ट्राइबल क्या है कि ट्राइब्स में जो लोग रहते हैं आदिवासी, उनको भी एम्पावरमेंट, समावेश होना चाहिए लोगों में इन डे टू डे लाइफ। तो उसका भी एम्पावरमेंट के लिए जुडिशियल डिसीजंस दिए गए हैं। दिस एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। इस वजह से क्या हुआ, पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि लगातार कंपटीशन बना रहता है, बहुत सारे पार्टीज है, अगर एक गवर्नमेंट ने अगर वो चीज़ें नहीं की है 5 ईयर्स में, तो अगले 5 ईयर्स उनको कौन चुन कर देगा। इस वजह से क्या होता है, ये सब चेंजेस करना गवर्नमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन स्टे एंड रूल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इस वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी भी मैच्योर होती है। सो इन द कंक्लूजन पार्ट वी विल सी दैट कि हमने ये पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। तो इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या प्रोविजन्स है, एंड उसका वर्किंग कैसा होता है, और क्या चीज़ें इंक्लूडेड है ऑफ द गवर्नमेंट ऑन बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सो दिस वी हैव सीन। सो वी आर एंडिंग आर फर्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।